अरे हॅलो हॅलो जेठालाल, कमाल फोन कापला याने. काय झालं? ए सांगतो एक मिनिट. हॅलो. हाँ जेठालाल, मैं ये कह रहा था कि तुम चाचा जी की देखभाल करने का काम मुझे दे रहे हो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना. बस बस बस, तो आजा भाई, आजा आजा आजा. हाँ लेकिन पूरी बात तो सुनो जेठालाल, चाचा जी की देखभाल करने का सौभाग्य मेरे नसीब में नहीं है. क्या? हाँ क्या है, मुझे बहुत जरूरी काम है, तो ये तुम सौभाग्य पोपटलाल को दे दो ना. हाँ नहीं, वो उसका ख्याल मुझे आया, लेकिन वो क्या पूरी रात का जगा हुआ है ना, कल पूरी रात प्रेस में था, तो यहाँ आके फिर वो सो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना. हाँ तो फिर किसी और को बोल दो ना उनको देखने के लिए, मैं अपना काम निपटा के आ जाऊंगा चाचा जी को देखने के लिए. जेठालाल एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो. हाँ क्यों टाल रहे हैं आप? जेठालाल मैं दोबारा फोन करता हूँ, एक मिनट एक मिनट. ओके ठीक है. हाँ आज चल रहे तुझे माधवी. वाह चाचा जी, तकलीफ में और ना जाने के बहाने बना रहे हैं आप. पड़ोसी है हम लोग. माधवी मैं अपना पड़ोसी धर्म खूब समझता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो. तुला कळत नहीं है माधवी, चाचा जी को संभालने का काम है, ऊपर से आज उनको ठीक से दिख नहीं रहा है, वो सुनते नहीं है. मेरा मतलब है वो अपनी मनमानी करते, किसी की सुनते नहीं है. मैं रिस्क नहीं ले सकता, और भगवान न करे अगर उनको संभालते वक्त कुछ ऊंच-नीच हो गई तो मुझे सुनाने के लिए टप्पू भी और जेठालाल भी है. नहीं नहीं, उनको कोई और संभाले यही ठीक है. मैं अभी फोन करके जेठालाल को बोल देता हूँ. और हाँ तुम बीच में बोलना नहीं अभी, प्लीज प्लीज. हाँ हेलो, बोल. हाँ बोल. हाँ जेठालाल देखो भाई, बुरा मत मानना, तुम चाचा जी की देखभाल करने के लिए किसी और को बुलाओ ना, मैं अपना काम निपटा के आ जाऊंगा ना. अरे लेकिन अभी किसी और को किसको बुलाऊं भीड़े, सोसाइटी में सब बिजी रहते हैं, एक तू ही फ्री रहता है, इसलिए तो तुझे फोन किया. फ्री होता है मतलब? मैं फ्री नहीं बैठा हूँ जेठालाल, मुझे बहुत सारे काम होते हैं. सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के ट्यूशन होते हैं, और इन सब कामों से फुर्सत मिलने के बाद मुझे माधवी के आचरापट की डिलीवरी करने भी जाना पड़ता है. मैं फ्री नहीं बैठा हूँ यहाँ पे. हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे पता है भाई, तू बिल्कुल फ्री नहीं है, पता है मुझे. मतलब खाली एक रिक्वेस्ट कर रहा था, एक छोटा भाई होने के नाते. छोटा भाई? वो जेठालाल तुम उससे बड़े हो. हाँ तो बड़ा भाई होने के नाते तुझे हुकुम देता हूँ, अभी के अभी इधर आ जा. अगर वो बिजी है तो रहने देना भाई, मैं रह लूंगा अकेला. नहीं नहीं, उसने बोल दिया बाबूजी वो आ रहा है इधर. मैंने कब बोला मैं आ रहा हूँ? एक मिनट बाबूजी. हाँ भीड़ बात करना चाहता है. हाँ ये हाँ बोल बिल्ली मास्टर. चाचा जी. हाँ बेटा बोल. बस मैं अभी जेठाल को यही बोल रहा था कि मैं अपने काम बाद में निपटा लूंगा, मैं अभी आ रहा हूँ आपके यहाँ आपकी देखभाल करने के लिए. हाँ आ रहा है. आ रहा है ना? हाँ. कैसी शक्ल बना के रखी है? क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है और चिंता हो रही है मुझे. तो चिंता हो रही है तो जाना चाहिए ना उल्टा. अरे मुझे मेरी चिंता हो रही है. कुछ नहीं होता ऐसा, जाइए. है तेरे टेंशन के ताजा. अरे असल जाऊ का. नहीं नहीं बाबू जी, आँख में वैसे ठीक है ना, कुछ जलन वलन तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं. तू जा दुकान जा, भिंडी मास्टर अभी आता ही होगा. हाँ बस वही, भिड़े के आते ही मैं आपको उसे सौंप के फिर निकलता हूँ. सौंप के मतलब? मैं क्या कोई जरूरी कागजात हूँ? नहीं नहीं बापू जी, कागजात नहीं, लेकिन जरूरी तो है ना, और आपसे ज्यादा जरूरी मेरे जीवन में और कुछ नहीं है बापू जी. जेठालाल. अरे मेहता साहब भैया आइए बैठो. अरे चाचा जी ने आई मास्क क्यों लगा रखा है जेठालाल? वो अभी हाथी भाई आए थे तो वो पहना के गए. उन्होंने बोला कि इससे क्या है, आंखों में जलन थोड़ी कम होगी और आंखों को राहत मिलेगी. हाँ नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है. मैं हाँ जी. तू खड़ा है? जी हाँ खड़ा हूँ. अरे तो खड़ा क्यों है, बैठ जा. हाँ बैठे बैठे मतलब बैठे बैठे. आई बैठ गया चाचा जी, बैठ गया. हाँ जेठा चाचा जी ठीक है ना? हाँ ठीक है. मैंने बोला ना हाथी भाई अभी आए थे तो दोनों आंखों में दो दो टिपा उन्होंने वो ईयर ड्रॉप डाल दिया है. नहीं जेठल आंखों में अगर डाला होगा तो आई ड्रॉप होगा. सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आई ड्रॉप डाल दिया है तो उससे काफी थोड़ा आराम है बापूजी को. वो तुमने चश्मा बनवाने के लिए दे दिया ना चाचा जी को? नहीं वही मैं भीड़े की राह देख रहा हूँ, भीड़े को मैंने बुलाया है फोन करके, तो जैसे भीड़े आता है तो मैं बापूजी को मतलब बापूजी के पास उसको छोड़ के फिर मैं दुकान चला जाऊंगा, एक छोटी सी मीटिंग है वो पटा के फिर बापूजी का चश्मा लेके वापस आ जाऊंगा. पर जेठल तुम कमाल करते हो यार, तुमने भिड़े को बुलाया चाचा जी का ख्याल रखने के लिए, तो मुझे भी तो कह सकते थे भाई मैं आता हूँ, मैं ख्याल रख लेता, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता. नहीं नहीं मेहता साहब, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, भिड़े है ना.
उसको वैसे भी कोई खास काम होता नहीं है, फ्री रहता है बेचारा। ऐसी बात नहीं है जेठालाल, उसे भी बहुत काम होते हैं भाई। अरे क्या काम होता है मेहता साहब, उसको सुबह उठ के वही सखाराम की साफ सफाई करता है, फिर वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखता है, फिर अगर सोसाइटी का छोटा मोटा कोई काम रह गया हो तो फोन करके अब्दुल को याद दिलाता है कि भाई ये काम कर लेना, वो काम कर लेना। उसके अलावा और क्या काम होता है उसको? अरे ऐसा नहीं है क्या, उसे और भी बहुत काम होते हैं। और काम में उसके पास एक ही काम है बापूजी, पूरे दिन में 10-15 बार अपने कॉलर को ऐसे पकड़ के मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी, बस ये बोलते रहना। और कोई काम नहीं है उसको। आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैंने तो दरवाजे पर हाथ ही नहीं लगाया, खुला था तो मैं खुला ही तोड़ के आ गया। अच्छी भाई मेहता साहब, अच्छा हुआ आपने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, पता तो चला अपने ही लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। अच्छी माती अमचिस मानस आय बोलना रहता। अरे काय बोलायचे गरजच नाही भाऊ। अरे भिडे हे तो मेहता साहब एकदम देखिए मोशन में आ गया। मोशन में नहीं जेठल, इमोशन में आ गया। नहीं नहीं, वो भावनाओं में बह गया ना, तो बहना तो मोशन ही हुआ ना। ओ जेठलाल, मैं कोई भावनाओं में नहीं बहा हुआ। अरे बस भाई बस कर, अभी है नौटंकी। अरे भाई मुझे पता था कि तू पीछे खड़ा है, इसलिए जानबूझ के बोला। तो घड़ी गम्मा था मजा। अच्छा मेहता साहब, आप तो इसके परम मित्र हैं, इसकी रग रग से वाकिफ हैं। आप मुझे बताइए कि ये मजाक कर रहा था, सच सच बताइए। क्या करूं, सच बोलूंगा तो भी फंसूंगा, झूठ बोलूंगा तो भी फंसूंगा, इससे अच्छा तो ऑफिस ही चला जाता हूँ। अरे बताइए आप सोच क्या रहे? मैं नहीं नहीं नहीं, मैं ये फोन 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 वाइब्रेट हुआ। हाँ पुनीता बोल। हाँ हाँ सुनीता बोलो। अरे नहीं नहीं, बॉस को बोलो निकल गया हूँ मैं, ऑन द वे हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, बस दो बस आ ही जाऊंगा मैं, बस आ गया, बस आ रहा हूँ। चाचा जी आपने सुना ना जेठालाल ने क्या बोला? हाँ सुना जेठिया, फिल्मी मास्टर से माफी मांग। बापूजी मैं सच में मजाक ही कर रहा था, मुझे पता था वहाँ खड़ा है, लेकिन चलो आपकी और भिड़े के दिल की तसल्ली के लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। मुझे कुछ ऐसा है नहीं, कोई ऐसा अहम है कि नहीं कि मैं क्यों माफी मांग रहा, कुछ नहीं, मैं मांग लेता हूँ, उसमें क्या। सॉरी भिड़े, सॉरी। और भिड़े, अरे तू दोस्त है अपना यार, तू ऐसे बुरा मत लगा। हा? और बापू जी का ध्यान रखने के लिए यहाँ रुक जा। नहीं, वो तो मैं रुकूंगा ही जेठालाल, तुम चिंता मत करो। हाँ मैं रुकूंगा, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते मैं यहाँ पे रुकूंगा और चाचा जी का ध्यान रखूंगा। वाह सुना बापू जी। हाँ तुम जाओ, दुकान जाओ। हाँ थैंक यू भिड़े, और सॉरी अगर तुझे बुरा लगा हो तो, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा था। फिर से मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था भाई। चलो बापू जी भिड़े आ गया है। अरे हाँ भाई धीरे बोलना भाई। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तू जा भाई दुकान जा, और दुकान जाके तेरा काम खत्म कर, और जल्दी से मेरा चश्मा बनवा के ला भाई। जी जी बापू जी जी। अच्छा भिड़े मैं जाने से पहले 2-3 जरूरी चीजें वो तुझे जरा समझा देता हूँ। ये वो आई ड्रॉप है, वो हाथी भाई ने दिए, तो इसको क्या है 2-2 घंटे में बापू जी की आंख में 2-2 टीपा दोनों आंख में डालना है। अभी 10-15 मिनट के पहले डाला था, तो अभी 1.25 घंटे के बाद जरा डाल देना। और ये एक दवाई दी हाथी भाई ने, तो ये अगर बापू जी के सर में दर्द हो तो ये दवाई उनको खिलानी है, वरना नहीं। ये रखता हूँ नहीं मेरे हाथ में। अच्छा और हाँ सबसे खास, ये बापूजी ने जो आंखों पे पट्टी पहनी है ना, वो भी हाथी भाई पहना के गए, वो इसलिए कि बापूजी की आंखों को जलन ना हो, उनकी आंखों को आराम मिले, इसके लिए। तो बहुत मतलब बहुत अगर कोई जरूरी कारण हो तो ही वो पट्टी आंखों से उतारना, वरना मत उतारना। मैं क्यों उतारूंगा भाई। हाँ लेकिन जेठालाल, अगर मेरे बस में होता ना
तो मुझे लेकर लोगों की आंखों पे जो गलत फहमी की पट्टी है ना, वो मैं जरूर उतारता। अरे दोस्त भिड़े, तू यार अभी भी नाराज है मुझसे दोस्त? अच्छे जेठिया, तू जाना भाई दुकान जाना। हाँ बस जा रहा हूँ बापू जी, जा रहा हूँ। चलो बापू जी, जय जिनेन्द्र। चलो जय महाराष्ट्र। जेठिया तुझे याद है ना, मेरा चश्मा चिमन लाल की दुकान से ही बनवाना। जी जी बापू जी। और हाँ, मेरे चश्मे के नंबर की पर्ची ली है ना? अरे ली की ली ली। हाँ 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 बापू जी हाँ। अभी ड्रावर से निकाल रहा है। भाग गया। जेठा भाई को अर्जेंटली दुकान जाना पड़ रहा है ना, इसलिए ये गए हैं चाचा जी की देखभाल करने। बेचारे चाचा जी को बिना चश्मे के कितनी दिक्कत हो रही होगी। नहीं वो मौका है। हेलो, कैसे आप लोग? जेठा भाई चाचा जी ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, खाली चश्मा नहीं होने की वजह से थोड़ा परेशान कर रहे, परेशान हो रहे। मुझे तो चाचा जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे लग रहा है कोमल भाभी, कि मुझे बापू जी को ऐसी हालत में घर पे छोड़ के दुकान जाना पड़ रहा है, और बेचारे भीड़े को बापू जी का ध्यान रखना पड़ रहा है। सॉरी है माफी भाभी। अया सॉरी का ही था जेठ भाई, चाचा जी हम सबके चाचा जी है। वैसे मुझे चाचा जी के लिए बहुत चिंता हो रही है। नहीं नहीं अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है बबीता जी, अभी भीड़े तो ध्यान रख ही रहे बापू जी का, और शाम तक मैं उनका नया चश्मा बनवा के लेके आऊंगा, तो सब ठीक हो जाएगा। और जेठालाल चाचा जी कैसे हैं? हाँ ठीक है। तुम ये धोखा लग के क्यों घूम रहे हो? अरे भाई घूम नहीं रहा हूँ, पुराना वाला टूट गया था तो मार्केट गया था नया लेने। अरे आज के ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जमाने में तुम धोखे से कपड़े धोते हो? अरे भाई एक दो कपड़े होते हैं तो वॉशिंग मशीन में क्या डालने का? अरे तो 3-4 दिन का कपड़ा इकट्ठा हो तभी वॉशिंग मशीन में डालने का। भाई मुझे रोज के कपड़े रोज धोने की आदत। तुम रोज कपड़ा धोते हो? हाँ, और क्या शादी नहीं हुई है ना, मेरे घर में कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, घर के सारे काम अकेले ही करता हूँ। नहीं नहीं मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ भाई, जब से दया अहमदाबाद गई है तब से मेरी भी समझ में आ गया कि बिना पत्नी के घर चलाना मतलब मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। वैसे मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि दया भाभी भी जल्दी आ जाए और पोपट भाई की पत्नी भी जल्दी गोकुलधाम में आ जाए। बराबर। थैंक यू बहनों। जेठालाल एक बात बताओ, चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊँ भाई, एक जरूरी काम से दुकान जाना पड़ रहा है। ऐसी हालत में चाचा जी को छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो? पोपट भाई जाऊ देता ना, ये है ना चाचा जी की देखभाल करने के लिए घर पे। अच्छा अच्छा भिड़ा है वहाँ पर? हाँ भिड़े है। वाह मैं क्या कर रहा हूँ पोपटलाल, अगर तुम्हें कोई खास काम ना हो तो तुम भी जरा बापू जी का ध्यान रखने में भिड़े का हाथ बटाओ ना। एक से भले दो। हाँ हाँ भाई तुम इत्मीनान से जाओ, मैं थोड़ी देर में अभी तुम्हारे घर पहुँचता हूँ। अरे थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। चलो ओके मैं चलता हूँ। ओके भिड़े चलो मैं भी चलता हूँ। आइए साहब आइए। अरे वाह थैंक यू। चलो MG रोड ले लो। साहब आज आप हमारे पहले ग्राहक हैं। ग्राहक भगवान की तरह होता है, इतनी जल्दी मुझे पहला ग्राहक मिल गया, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अरे नहीं भाई किस्मत तो मेरी खुल गई, इतनी जल्दी रिक्शा मिल गई, वरना यहाँ इतनी जल्दी रिक्शा मिलते नहीं है। चलो हाँ हाँ साहब चलते हैं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, बोनी कर रहा हूँ, थोड़ा पूजा कर लेता हूँ फिर चलता हूँ। क्या है सुबह सुबह की बात है, पूजा करके चलता हूँ, नहीं तो अगर दुर्घटना हो गई एक्सीडेंट हो गया हमें अपनी नहीं आपकी चिंता है साहब। ठीक है करो जल्दी करो, जरा थोड़ा कर लो पूजा। भैया थोड़ी जल्दी चलाना रिक्शा, में थोड़ा जल्दी बैठूंगा। साहब आपने वो बात तो सुनी होगी ना, दुर्घटना से देर भली, आप बाल बच्चे वाले दिखते हो, हमें अपनी नहीं आपकी चिंता है। हाँ बोल बागा। एक मिनट चालू रख, क्या हुआ भाई रिक्शा क्यों रोक दी? साहब आप बात कर लो फिर अपन चलते। क्यों? चलती गाड़ी में फोन पे बात करना गैर कानूनी है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, हमें आपकी चिंता है।
हमारी नहीं। अरे भाई वो तो चालक के लिए मना है, सवारे के लिए मना थोड़ी है। तुम चलो चलो चलो। अरे जब आप बात करोगे तो हमारा भी ध्यान आपके ऊपर लग जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। हमें अपनी नहीं आपकी चिंता है। आप बात कर लीजिए फिर चलते हैं। हाँ बोल बोल बाका। सीट जी आप निकले कि नहीं? अब मैं बस निकल गया हूँ, रिक्शा में हूँ। लेकिन क्या मैं पहले वो बापू जी का चश्मा है ना, वो चश्मे की दुकान में बनवाने देने जा रहा हूँ, वहाँ से दुकान आऊंगा। ठीक है। अच्छा अच्छा सीट जी। वो मेरे आने से पहले वो भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाले आ गए तो उनकी जरा अच्छे से खातिरदारी करना भाई, उनके लिए चाय पानी नाश्ता बढ़िया से मंगवा लेना। सीट जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ ठीक है, आता आता। चलो भाई हो गई बात, चलिए चलिए चलिए। अरे इतनी धीरे धीरे रिक्शा चलाएगा तो मैं कब चश्मे की दुकान पहुंचूंगा और कब बापूजी का चश्मा बनवाने दूंगा। सॉरी सॉरी बापूजी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, सॉरी। भिंडी मास्टर, ए भिंडी मास्टर, इधर ही हो चाचा जी, इधर ही हो चाचा जी। अरे तो जवाब तो दे भाई। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा तू कभी बिना चश्मे के रहता है? हाँ रोज रहता हूँ, जब रात को सोता हूँ। सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं आपका मूड ठीक करने के लिए से बोल रहा। अरे भाई मेरा मूड तो तब ठीक होगा जब मेरा चश्मा बन के आ जाए। शांति आ जाएगा, आ जाएगा। चाचा जी अभी बैठते हैं ना, बहुत देर हो गई चल रहे हम लोग। अरे भाई बैठ बैठ के थक गया मैं भिंडी मास्टर। अच्छा अटन कीजिए भिंडी मास्टर, बैल बाजी। हाँ हाँ सुनी मैंने। तो तू यार रुक, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। अरे नहीं आप क्यों जा रहे, आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं जाके खोलता हूँ ना दरवाजा। हाँ तो खोल ले। हाँ तो जा ही रहा हूँ, आप बैठिए इधर बैठिए, ये कुर्सी है यहाँ बैठिए। आप प्लीज हिलना नहीं। हाँ क्यों हिलूंगा मैं, खाली बोल रहा। पोपटलाल तुम? चाचा जी की देखभाल करने आया हूँ। अरे पोपटलाल थैंक यू भाई, थैंक यू। एक से बोले दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है आ जाओ आ जाओ। निकम निकम आओ अंदर ही चाचा जी आओ। दोस्तों वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बुजुर्गों की सेवा का अवसर मिलता है, भाग्यशाली होते हैं वो लोग, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। इतना कमाल होता है कि आपका जीवन धन्य हो जाता है अगर आप उनका आशीर्वाद पाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि बुजुर्गों की सेवा कीजिए, जब भी अवसर मिले उनके साथ समय बिताइए, उनका आशीर्वाद पाइए और बुजुर्गों की लाठी बनिए, बुजुर्गों की आंखों का चश्मा बनिए। और शायद यही सोचकर पोपटलाल आए हैं चंपक चाचा के घर उनका ध्यान रखने के लिए। भीड़ के साथ साथ पोपटलाल भी ध्यान रखेंगे, अतरंगे चाचा जी का ध्यान रखने के लिए अब दो दो लोग हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जेठालाल गए हैं चाचा जी का चश्मा बनवाने के लिए, और अब ये चश्मा बनता है या बनवा पाते हैं या नहीं बनवा पाते, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कहानी का अगला मोड़ इसी चश्मे पर निर्भर करता है। अब क्या है ये आप खुद जान जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.